ना वहाँ हवा है और ना ही पानी, फिर भी चांद को लग रही है जंग। धरती का खनिज चांद पर कैसे पहुंचा? दोस्तों, जब लोहे से बना सामान नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन करता है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड जम जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। इसी तरह जब चांदी से बना सामान, सिक्के, जेवर हवा में सल्फाइड के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत सिल्वर सल्फाइड की जम जाती है। इस प्रक्रिया को चांदी पर दाग लगना कहते हैं। लोहे में जंग लगने की पीछे की वजह है पानी और हवा। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं होता है, मंगल की सतह पर भी बहुत सी मात्रा में जंग मौजूद है। इसकी वजह यह है कि वहां की सतह पर लोहे के साथ पानी और ऑक्सीजन भी रहा है। लेकिन हाल ही में हुए शोध में वैज्ञानिकों को हैरानी तब हुई जब उन्होंने पाया कि बिना हवा के चंद्रमा पर भी जंग मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चांद को जंग क्यों लग रही है? जी हाँ दोस्तों, चांद पर ना तो पानी है और ना ही ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी चांद मामा जंग खा रहे हैं। अंतरिक्ष में हमारे सबसे करीबी पड़ोसी की सतह पर जंग के दाग दिखाई दे रहे हैं, यानी चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन के अंश हेमेटाइट नजर आए हैं। पृथ्वी पर यह अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, लेकिन चांद की सतह पर इस खनिज का मिलना चौंकाने वाला है। लोहे की ऑक्सीडेशन यानी जंग लगने के लिए हवा और पानी यानी नमी दोनों का होना जरूरी है, जबकि चांद पर हवा ना के बराबर है और तरल अवस्था में पानी भी नहीं है। चांद पर वैज्ञानिकों को वाटर आइस यानी बर्फ की मौजूदगी तो मिली है, लेकिन सिर्फ इससे सतह पर हेमेटाइट का बनना संभव नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड प्लेनेटोलॉजी की शोधकर्ता शुवा ली ने अध्ययन में पाया है कि चंद्रमा के उच्च अक्षांशों पर लौह खनिज मिला है। लोहा ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्ट करता है और लाल रंग की जंग को तैयार कर लेता है जो आमतौर पर पृथ्वी पर देखने को मिलती है। ली ने यह दावा चंद्रयान 1 के मून मिरनोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट के अध्ययन के बाद किया है। M3 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दक्षिण कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में तैयार किया था। ली के अनुसार पानी चट्टानों के साथ मिलकर कई तरह के खनिज तैयार करता है। M3 ने स्पेक्ट्रा या उस रोशनी का पता लगाया जो चांद की सतह पर पहुंच रही है। इससे पता चलता है कि चंद्रमा के ध्रुव उसके बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत अलग थे। चांद पर जंग का स्रोत खोज रहे हैं वैज्ञानिक। चंद्रमा पर ऑक्सीजन या पानी की मौजूदगी की संभावना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जंग कैसे लग रही है? रहस्य की शुरुआत सौर हवा से हुई जिसमें कई तरह के चार्ज कण होते हैं जो सूर्य से उड़कर पृथ्वी और चंद्रमा पर हाइड्रोजन के साथ हमला करते हैं। हाइड्रोजन हेमेटाइट बनाने का प्रमुख कारक है, यानी वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है, जिस कारण ऐसा हो सकता है। चांद पर हेमेटाइट के निशान ज्यादातर वहीं मिले हैं जहां पहले बर्फ के भंडार थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि उल्का टकराने से चांद की सतह के नीचे की बर्फ पिघली और सतह पर आ गई होगी, जिससे सूक्ष्म पानी के कण वहां पैदा हुए। अध्ययन में ये साबित हो चुका है कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऑक्सीजन सोलर विंड्स के साथ चांद तक जाती है। इससे चांद की सतह पर ऑक्सीजन के कण पहुंचने से ऑक्सीडेशन हो सकता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चांद पर सोलर विंड्स नहीं पहुंच पाती। ऐसे में हाइड्रोजन की बमबारी से भी चांद बचा रहता है। इसी समय आयरन ऑक्सीडेशन हो सकता है। JPL के वैज्ञानिक एब्रिगल फ्रेमैन का कहना है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा में जो स्थिति है उस आधार पर ऐसा संभव नहीं है। चंद्रमा पर जब पानी की मौजूदगी का पता चला तब से लोग कयास लगा रहे हैं कि वहां खनिज के अलग अलग प्रकार हों जो पानी और चट्टानों से रिएक्ट कर रहा हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बात पर मंथन की जरूरत है कि आखिर चंद्रमा पर ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या धरती से चांद पर पहुंची ऑक्सीजन? दरअसल कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि चंद्रमा पर जंग लग रहा है और इसके लिए पृथ्वी जिम्मेदार हो सकती है। इससे शोध में 3 थ्योरी सामने आई है। पहली ये कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन वहां पृथ्वी से ही ऑक्सीजन पहुंची होगी। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की एक पूंछ होती है जिसे 2007 में जापान के कागुया ऑर्बिटर ने खोजा था। इस पूंछ पर पृथ्वी की ऑक्सीजन सवारी कर लेती है और लंबाई की वजह से इस पूंछ के जरिए वो चंद्रमा तक पहुंच गई होगी। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो एक समय ये इतने पास रहे होंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा तक ऑक्सीजन पहुंच जाती होगी। वहीं पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की पूंछ हाइड्रोजन को भी चंद्रमा तक पहुंचाने से कुछ समय के लिए जरूर रोकती होगी।
इस दौरान हीमेटाइट का निर्माण हुआ होगा। इसके बाद पानी भी एक थ्योरी का अहम हिस्सा है। चंद्रमा पर पानी ठोस बर्फ के रूप में है। धूल के कण बहुत तेजी से चंद्रमा की सतह से टकराते हैं और हो सकता है कि इस टकरावट से ठोस बर्फ से पानी के कुछ कण निकल गए होंगे और उससे हीमेटाइट बनने की स्थिति बन गई होगी। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन चांद पर जंग का मिलना चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये जंग इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ सदियों के बाद शायद चांद का रंग ही बदल जाए।